इस वक्त की बड़ी खबर क्यों रुक करते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 3 जून को दिल्ली में बुलाई है बैठक। नवनिर्वाचित सांसद, लोकसभा प्रत्याशी, जॉन इंचार्ज, जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। मायावती ने यह बैठक बुलाई है और चुनाव की समीक्षा भी की जाएगी। गठबंधन का भविष्य तय किया जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। जी हाँ, इस बैठक में यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। मायावती ने 3 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई थी। हालांकि ये बैठक तो कई बार कयास लगाए जा रहे थे, इससे पहले भी बैठक कराने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे तो इस बैठक को टाल दिया गया था। अब शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है दिल्ली में, उसके बाद ये तय किया गया है कि बैठक बुलाया गया है 3 जून को और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासकर अब जो चुनाव उपचुनाव होने वाले हैं उसे लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 3 जून को बुलाई है बैठक। नवनिर्वाचित सांसद भी इस बैठक में पहुंचेंगे, लोकसभा प्रत्याशी भी पहुंचेंगे। मायावती इस बैठक में गठबंधन को लेकर भी चर्चा करेंगी, क्योंकि अब 2022 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या अब आगे गठबंधन को कैसे लेकर जाना है। हालांकि गठबंधन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इस चुनाव में, तो क्या इस गठबंधन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पंकज, 3 जून को अहम बैठक बुलाई जाएगी बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इस बैठक में हार पर भी मंथन किया जाएगा? वहीं क्या अब जो उपचुनाव होने वाले हैं, खासकर गठबंधन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उनसे लेकर क्या नई रणनीति बनाई जाएगी? क्या अब ये गठबंधन आगे लेकर चलना है, कैसे समीक्षा की जाएगी? देखिए अंजलि, जिस दिन चुनाव परिणाम आया था यानी 23 मई को, उस दिन मायावती अपने आवास से माध्यमों पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ईवीएम के साथ साथ ये भी कहा था कि जितनी सीटें गठबंधन की आनी चाहिए उतनी नहीं आई, ये कहने के बाद वो दिल्ली चली गई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा निर्णय आने के बाद वो अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात नहीं, वो दिल्ली चली गई। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब मायावती 3 जून को दिल्ली में बैठक बुला रही हैं और उस बैठक में जो जीते हुए सांसद के अलावा जनरल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किन वजहों से इतनी अप्रत्याशित हार हुई है गठबंधन की, क्या कमियां रह गई, क्या जो वोट बैंक थे वो दरक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्या बीजेपी ने उससे सेनमारी की है। इसके अलावा गठबंधन को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि उसके बाद उस तरीके से ना अखिलेश की तरफ से बयान आया, ना मायावती की तरफ से बयान आया गठबंधन को लेकर के, खासकर चूंकि हालांकि समाजवादी पार्टी के खेमे में अब बात जरूर उठ रही है कि जो बीएसपी के कोर वोटर हुआ करते थे उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने 5 सीटें जीती, लेकिन अखिलेश यादव चुप बैठे और मायावती भी चुप है। लेकिन अब इन सांसदों और बैठक नेताओं के साथ बैठक में मायावती इससे निर्णय लेंगी, गठबंधन आगे रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ यानी जो अखिलेश यादव है उनका जो मानना है वो गठबंधन 2022 तक मायावती से रखना चाहते हैं, कोई ऐसी बात सामने नहीं ला रहे हैं जिससे गठबंधन टूट जाए। यही कारण कि अखिलेश यादव हार की समीक्षा बैठक उस लेवल तक नहीं कर रहे हैं कि सारे नेताओं को एक साथ बैठा करके समीक्षा करें, कि समीक्षा करेंगे तो आवाज यही उठने लगेगी कि बसपा का वोट नहीं मिला। इस नाते अखिलेश यादव सीधे अपने नेताओं से यही कह रहे हैं कि 2022 की तैयारी को तो गठबंधन से तोड़ने के मूड में अखिलेश यादव नहीं है। लेकिन मायावती क्या करेंगी ये 3 जून के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जो 11 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उस पर भी निर्णय लेंगे, कि अब तक बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन चर्चा सियासी गलियारों में ये भी है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी उन सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये स्थिति 3 जून की बैठक के बाद स्पष्ट होगा। इसके अलावा मायावती ने बकायदा जो अपने संसदीय दल का नेता है उसका भी चुनाव वगैरह कर लिया है और 2022 की रणनीति भी चर्चा होगी। साथ बिल्कुल पंकज, अब यही देखने वाली बात है कि 2022 को लेकर रणनीति को लेकर क्या चर्चा होगी, क्योंकि क्या एक अहम सवाल यही उठता है गठबंधन लेकर आगे ये काम किया जाएगा, गठबंधन को बरकरार रखेंगे या गठबंधन पर कोई संशय लगेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।